सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर नई वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक और इंटीग्रेशन है मेरे पास। सो देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है। अगर देख सकते हैं, अगर इसमें हम कॉमन लेंगे तो फिर भी बात नहीं बन रही है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है कैंसिल होने के लिए। सो सेकंड ट्रिक हम अप्लाई करते हैं। सो सेकंड मेथड हम अप्लाई करते हैं इस इंटीग्रल को स्प्लिट करने का। तो स्प्लिट करने से इंटीग्रेशन हो पाएगा। तो स्प्लिट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन, इसको हम टू पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे, अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 9 प्लस इसका डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 9 इसका डी एक्स। ओके, तो I1 I2 में हम लोग दो पार्ट्स में इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर लिया। अब ऐसे करके हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग के पास दे सकते हैं यहाँ ऊपर हम लोग को एक्स क्यूब लाना है, वही कैंसिल होगा हमें कुछ सब्सटीट्यूशन करके। तो अगर हम दे सकते हैं यहाँ पर एक्स एक्स पावर 4 है, इसका जो डिफरेंशिएशन है एक्स पावर 4 का 3x क्यूब हो जाएगा। तो इसका जो डिफरेंशिएशन एक्स पावर 4 माइनस 9 का 4x क्यूब हो जाएगा। तो एक्स क्यूब हम लोग पास आ रहा है तो कैंसिल हो रहा है, मतलब एक्स क्यूब। तो टी इक्वल्स टू एक्स पावर 4 माइनस 9। ओके, अब लोग इस देखते हैं इस वाले में क्या करना है। फ्रेंड्स देख लो, दे सकते हैं हम लोग को ऊपर एक्स लाना है, तो हम लोग एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे ताकि उसका जो डिफरेंशिएशन है वो 2x है, तो ऊपर ये एक्स कैंसिल होगा उससे। पुट वी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स 2 2 4 होगा, यानी कुछ इस टाइप से होगा, एक्स स्क्वायर ये 2 2 4 हो जाएगा। तो हम लोग इस एक्स स्क्वायर को वी ले रहे हैं। ओके, कुछ ऐसे इस टाइप से मैंने समझने के लिए बताया। अब फर्दर सॉल्व करते हैं इसका, dt/dx करते हैं 4x³। देख सकते हैं हम लोग पास आ गया, माइनस 9 का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो dx इक्वल्स टू dt अपॉन 4x³ हो जाएगा। ओके, dx इक्वल्स टू dt अपॉन 4x³ हो जाएगा। ओके, तो देख सकते हैं x³ कैंसिल हो रहा है इस वाले क्वेश्चन में। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, dv/dx करते हैं इक्वल्स टू, यहाँ पे देख सकते हैं 2x हो जाएगा सिंपल। तो dx इक्वल्स टू dv/2x। तो यहाँ पर dx की दोनों इंटीग्रेशन में dx की हम लोग पास वैल्यू आ गई। अब इसी वैल्यू को पुट कर देंगे फर्दर के इंटीग्रल में। तो ये इंटीग्रल हम लोग के पास था, यहाँ पे ये आगे हम लोग के पास x³ था, x³ सिंपल लिख दिया। ओके, अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 9 था, तो हम लोग ने इसको t लिया हुआ था, t लिख देते हैं सिंपल ऐसे ही। ओके, उसके बाद जो dx था यहाँ पे फ्रेंड्स, dx इक्वल्स टू हम लोग ने dt अपॉन 4x³ आया था, तो dt अपॉन 4x³, x³ कैंसिल सिंपल। ओके, अब यहाँ पे ये सेकंड वाला इंटीग्रल आते हैं I2। इंटीग्रेशन क्या था, x अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 9 था, x लिख दिया, एक्स पावर 4 माइनस 9 था। अब देखना होगा हम लोग को x² था, ये x² ये एक्स पावर 4 होता है, तो हम लोग एक्स पावर 4 नहीं लिखेंगे, x² को हम लोगों ने v लिया था तो v लिख दिया। अब एक और स्क्वायर था तो एक और स्क्वायर कर दिया, माइनस 9 था 9 कर दिया, और ये डॉट dx था, तो dx की क्या वैल्यू हम लोग के पास, dv/2x। तो ये x यहाँ से सिंपल कैंसिल। ओके, और यहाँ पे 2 कांस्टेंट बचा है, यहाँ पे 4 कांस्टेंट बचा है सेकंड इंटीग्रेशन में। फर्दर सॉल्व करते हैं, वो कांस्टेंट तो हम लोग बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन के, dt अपॉन t आ गया इस वाले इंटीग्रेशन में। और सेकंड इंटीग्रेशन में यहाँ पे 2 कांस्टेंट था, तो 2v², यहाँ पे 2 कांस्टेंट था तो उसको बाहर ही ले लेंगे, 1/2 dv/v² माइनस, अब देख सकते हैं 9 है, ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3² v² माइनस 3² तो ये वाला इंटीग्रेशन तो सॉल्व हो गया फर्स्ट वाला, 1/4 dt/t सिंपल log t, ये फार्मूला होता है क्योंकि। ओके, कोई भी अगर लीनियर वेरिएबल पावर 1 में हो तो उसको सिंपल log में आंसर आ जाता है। ओके, और सेकंड इंटीग्रेशन क्या था हम लोग के पास, ये सेकंड पार्ट था, हाफ ऐसे ही कांस्टेंट था, x² - a² था। तो इस फ्रेंड्स इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वो जाता है 1/2 a, a क्या है 3 है, यानी 3 log ऑफ v - a / b + a होता है, तो v - 3/v + 3। ओके, तो ये इंटीग्रेशन आ गया हम लोग का, तो 1/4 log t की क्या वैल्यू थी, x पावर 4 माइनस 9 थी, t की वैल्यू एक्स पावर 4 माइनस 9 थी, टी इक्वल्स टू एक्स पावर 4 माइनस 9। ओके, ऊपर हम लोगों ने ये वैल्यू पुट की थी, तो एक्स पावर 4 माइनस 9 मॉडुलस क्लोज। अब यहाँ पे प्लस का सिंबल था, दोनों इंटीग्रल्स को प्लस कर देते हैं, 2 2 4 4 3 12, 1/12 2 2 4 4 3 12 1/12। ओके, लॉग ऑफ v - 3, अब v की फ्रेंड्स वैल्यू क्या थी हम लोग के पास, v इक्वल्स टू x² था, ऊपर हम लोगों ने लिया हुआ था, तो x² - 3 / x² + 3 मॉडुलस क्लोज,
प्लस सी कॉन्स्टेंट। ओके तो फ्रेंड्स ये पूरा सॉल्व इंटीग्रल उन्होंने इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया पूरा अच्छे से। ये 4 मार्कर्स था बोर्ड्स के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और मैथ्स एनसीईआरटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।